अस्सलाम वालेकुम। आज हम शॉपिंग बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से मैंने ये दो पीसेस ली हूँ। इसकी चौड़ाई है 15 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई है 14.5 इंच। इस तरह से ये दो पीस है और ये हमने स्ट्रैप की कटिंग कर ली है। स्ट्रैप की ये देखो, इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई 14 इंच। सबसे पहले हम इसे फोल्ड करके स्ट्रैप रेडी करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने दोनों स्ट्रैप रेडी कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे जो हमारा है उसका सेंटर लेंगे इस तरह से। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम स्ट्रैप रखेंगे, इसे यहाँ से स्टिच करेंगे और दूसरे में भी निशान लगाएंगे और इस तरह से स्ट्रैप रख के स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने दोनों स्ट्रैप लगा दिए हैं। अब इसके बराबर दो लाइनिंग वाला पीस लेंगे। ये देखो, इस तरह से ये ऊपर वाला हिस्सा स्टिच करेंगे और दूसरे वाले का भी हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने ऊपर वाले हिस्से पे दोनों पे स्टिचिंग कर लिए हैं। ये देखें, अब इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखें, दूसरे वाले को भी इस तरह से ओपन करेंगे और इस तरह से रखेंगे। इसे इस तरह से बराबर करेंगे। इसे बराबर रखने के बाद यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद ये वाला जो लाइनिंग वाला पीस है, इसे हम यहाँ से पूरी स्टिचिंग करेंगे और दूसरा यहाँ से स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से हम इतना सा स्टिचिंग नहीं करेंगे, यहाँ से 4 से 5 इंच हम यहाँ पे स्टिचिंग नहीं करेंगे, बाकी पूरा स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने पूरी स्टिचिंग कर लिए हैं। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा हमने ओपन किए हैं ताकि इसे हम सीधा करें। अब हम बेस बनाएंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से ये हम रखे हुए हैं। यहाँ से हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे ऊपर से और यहाँ से भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान को इस तरह से बॉक्स की तरह रखेंगे। ये देखो, अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसे रख कर हम चारों तरफ इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने चारों साइड कट कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे, इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। दूसरे को भी हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। और ये जो लाइनिंग वाला पीस है, इसे भी इस तरह से ओपन करेंगे। सबसे पहले ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे और ये लास्ट वाले को भी हम इस तरह से रख कर स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं और दूसरे वाले को भी हमने इस तरह से स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो वाला हिस्सा है, इसे हम सीधा करेंगे। ये देखो, ये हमने सीधा कर लिए हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है, सबसे पहले हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखो, ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब इसे ये अंदर की तरफ रखेंगे और अंदर की तरफ ये जिस तरह से करेंगे, ये टॉप वाला जो हिस्सा आएगा, हम इसे इस तरह से ऊपर की तरफ यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने टॉप स्टिच कर लिए हैं। स्ट्रैप पे हमने 2 से 3 मरतबा स्टिचिंग किए हैं ताकि ये जल्दी से खुले ना। तो इस तरह से देखो, आप भी बनाएं और इसे बनाना बहुत आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।